सो टॉप 5 बेस्ट MIUI 12 या फिर 12.5 के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, वो थीम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो थीम है वो है नेचर iOS। तो iOS और नेचर का कॉम्बिनेशन आपको इस थीम के अंदर मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट थीम है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले टॉप के अंदर आपको मिल जाते हैं दो विजेट्स। एक के अंदर आपको मिलता है सिक्योरिटी ओपन करने के लिए ऑप्शन, दूसरे के अंदर आप जो है जहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। एंड जो सेकेंड वाला ना गैलरी वाला, इसके अंदर एक एनिमेशन भी चलता रहता है जो कि आप चेक कर सकते हो। आइकन पैक कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा iOS की लुक देता है, बट हाँ थोड़ा सा बॉर्डर भी आपको वाइट देखने को मिलता है सभी आइकॉन्स का, जो कि कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये आपको ओवरऑल यहाँ पे थीम देखने को मिलता है। अब इसके लॉक स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, तो लॉक स्क्रीन की जो UI है वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो क्लॉक है ना, क्लॉक आपको विजिट मिलता है, वो भी काफ़ी अमेजिंग है। नीचे आपको जो है टॉर्च एंड कैमरा के रिगार्डिंग ऑप्शन मिलते हैं, एंड ये आपको इसका कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिल जाता है। डायरेक्टली यहाँ से आप जो है इंटरनेट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं, देन आपको यहाँ पे जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह के रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, एंड बाकी आप कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। व्हाट्सएप को भी आप इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे आपको प्लेयर वगैरह मिल जाता है, ये आप देख सकते हो म्यूज़िक प्लेयर है। एंड फर्स्ट के ऊपर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वेदर, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब आ जाते हैं इसके सेटिंग के अंदर, तो सेटिंग का UI कुछ इस तरीके से है। उसके बाद माय डिवाइस के अंदर आपको ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोगो देखने को मिलता है नेचर iOS का। नेक्स्ट थीम की बात करेंगे, इसका नेम है कलर 12, जस्ट कलर 12 आप सर्च करना आपको मिल जाएगा। इसके जो आइकन पैक है ना वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। डायलर के अंदर जो है ये आपको जो है सैमसंग का वन UI है उससे इंस्पायर्ड मिलता है, बाकी आइकन पैक भी ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसका जो विजेट है ना वो आप देख सकते हो, क्लॉक विजेट कुछ इस तरीके से है, कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर आते हैं, तो सेटिंग का UI कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। एंड माई डिवाइस का UI है, इसके अंदर आपको जो है कलर्ड यहाँ पे जो है आइकॉन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपके डिवाइस स्पेसिफिकेशंस हैं, तो ये एक आपको चेंज मिलता है। उसके बाद जो चेंज आपको मिलता है ना वो यहाँ पे आपको मिलता है क्लियर ऑल बटन के अंदर, जो X है वो काफ़ी बड़ा है, एंड कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके लॉक स्क्रीन की बात करेंगे, तो लॉक स्क्रीन के अंदर आपको वॉलपेपर ये वाला देखने को मिलता है, क्लॉक सेम है, कुछ भी चेंजेस आपको नहीं मिलते। लेफ्ट साइड के अंदर आप स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर कॉन्टैक्ट्स वगैरह के रिगार्डिंग ऑप्शंस वही सेम मिलेंगे। तो इसके लॉक स्क्रीन के अंदर आपको ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशंस नहीं मिलती, तो इसका ध्यान रखना है। बाकी आप इसके आइकन पैक चेक कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा थीम आपको मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट थीम के ऊपर आते हैं, तो ये है क्लासी UI नेम से, और इसका जो विजेट है ना सबसे पहले ये काफ़ी बड़ा है, एंड एक यूनिक सा आपको यहाँ पे लुक देता है। ये बेसिकली उनके लिए जिनको मिनिमल यहाँ पे UI चाहिए अपने फ़ोन के अंदर, Xiaomi फ़ोन के अंदर मिनिमल से UI चाहिए। इसका वॉलपेपर मिनिमल है, इसका कंट्रोल सेंटर भी मिनिमल टाइप ही आपको देखने को मिल जाता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे छेड़खानी नहीं की गई कंट्रोल सेंटर से। आइकन पैक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आपको मिलता है, इसको छोटा करके आप कैसे भी कस्टमाइज वैसे कर सकते हो। एंड सेटिंग का UI कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, सबके अंदर जो आइकन्स है वो अपडेटेड आपको मिलते हैं सेटिंग के अंदर। माई डिवाइस के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सेम जो है लोगो देखने को मिल जाता है। एंड रही बात यहाँ पे जो है इसके लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे जो है क्लॉक का एनिमेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। आप इसको स्वाइप करोगे तो आपको ये वाला कंट्रोल सेंटर टाइप देखने को मिल जाता है, यहाँ से इंटरनेट और Wi-Fi वगैरह को ऑन कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद ब्लूटूथ और ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, ये सेटिंग का आइकन आपको मिलता है। इसके ऊपर टैप करते ही आपके जो है कुछ और कस्टम चीज़ें इनेबल हो जाएंगी, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह, या फिर आप जो है इनहेंस्ड एनिमेशन इनेबल करना चाहते हो, तो वो सभी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट थीम की बात करेंगे, ये इंस्पायर्ड है टोटली जो है .OS से, और इसका सबसे पहले कंट्रोल सेंटर आप चेक करोगे ना, तो कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको मोनेट थीमिंग देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड 12 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये इंस्पायर्ड है सेम .OS से, और ये कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अब इसका जो वॉलपेपर है वो भी ड्रॉइड ऑन टाइम यानी कि .OS से आपको देखने को मिलता है, .OS ऊपर लिखा है, और नीचे आप देख सकते हो जो आइकन पैक है ना वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। जो यहाँ पे आपका अबाउट फोन सेक्शन है इसके अंदर भी .OS का लोगो है, एंड नीचे अगर आप देखोगे तो आइकॉन्स आपके सभी अपडेटेड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
नेक्स्ट चीज की बात करेंगे, यहाँ पर इस थीम के अंदर जो है इसका बूट एनिमेशन आप देख सकते हो, ये भी टोटली आपको डॉट ओएस वाला ही देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा है। एंड अगर इसके लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन के अंदर आपको जो है एंड्रॉयड 12 वाली जो है क्लॉक देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस और नहीं मिलते, जस्ट इतने ही चेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड लवर हो तो इसको जरूर से अप्लाई कर सकते हो, आइकॉन्स आपको टोटली स्टॉक एंड्रॉयड के यहाँ पे मिल जाते हैं। अब जिनको iOS वाली थीम पसंद है तो उनको ये वाली थीम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पसंद आने वाली है। इस थीम का नेम आपको मिलता है iOS 13s, और इसको आप जो है iPhone 13s नेम से आपको ये वाली थीम देखने को मिलती है। इसको जस्ट अप्लाई कर लेना, सर्च करने के बाद मिल जाएगी। ऊपर विजेट आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, डिजिटल क्लॉक, मीडियम विजेट और स्मॉल विजेट्स का ऑप्शन है। देन इसको फॉरवर्ड करोगे ना तो आपको विजेट नेम देखने को मिलता है, गॉशियन ब्लर का ऑप्शन देखने को मिलता है, और आप इसको कुछ इस तरीके से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। एंड नेक्स्ट करते ही आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्किंग मिल जाती हैं। कैलेंडर आपको मिल जाता है इस साइड में, और दूसरी साइड के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है वेदर का एप्लीकेशन, और दोनों चीज़ें आप काफ़ी इजीली एक्सेस यहाँ पे कर सकते हो। तो ये दो विजेट्स हो चुके हैं। अब जो आइकन बैग है वो टोटली iOS वाला ही आपको देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट बात, टोटली वैसे नहीं मिलता, जो आपका ब्राउजर है ना वो भी आपको सेम जो है मी ब्राउजर वाला ही आइकन देखने को मिलता है। इसका वॉलपेपर iPhone 13 सीरीज का है, iOS जो है आपकी iPhone 13 सीरीज ही ना, उसके जैसा ही वॉलपेपर मिलता है। एंड जो कंट्रोल सेंटर वो कुछ इस तरीके से है। उसके बाद सेटिंग का यूआई चेक करवाता हूं, तो यहां पर आपको iOS वाली फीलिंग आएगी। आईफोन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको iOS का यहां पे लोगो देखने को मिलता है। बाकी सभी सेटिंग्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है, टोटली फीलिंग है iOS की। एंड इसका लॉक स्क्रीन है ना उसको चेक करवा देता हूं, तो लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहां पे iOS 13 या फिर iPhone 13 सीरीज वाला यहां पर वॉलपेपर देखने को मिलता है। यहां पे स्वाइप डाउन करोगे तो इसका कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हो, कॉल 4G डेटा 5G वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप इसको जो है मैनेज कर सकते हो, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। और ये थे आज के टॉप 5 थीम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, इसको शेयर ज़रूर से करना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग थीम्स की वीडियो के अंदर।